नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। गर्भस्थ अवस्था में शिशु की मौत पर राय नर्सिंग होम में परिजनों ने घंटों काटा बवाल। नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड में साइकिल दुकान में छत काट कर चोर 2 लाख की चोरी। धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। और सफलतापूर्वक सिटी न्यूज के 3 वर्ष हुए पूरे। अधिकारियों से लेकर आम जनता ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप राय नर्सिंग होम में गर्भवती महिला के शिशु की मौत पर अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच कई घंटों तक चला विवाद। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप समीप राय नर्सिंग होम में इलाज के दौरान शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल खबरा निवासी स्वाति कुमारी गर्भवती स्थिति में अस्पताल में भर्ती थी और भर्ती अवस्था में ही गर्भ में ही शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से पूछने गया तो अस्पताल के कर्मचारी द्वारा परिजनों को पीटा गया। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंचकर परिजनों को समझाकर शांत कराया तथा महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के भाई ने बताया कि 2017 से इलाज चल रहा था, इसके बाद आज गर्भ में भी शिशु के मर जाने पर अस्पताल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। हमारी बहन है तो इन्हीं के मतलब डिलीवरी केसेस में है, तो इसी के इन्हीं के देखरेख में डॉक्टर फलवीरा इन्हीं के देखरेख में शुरू से मतलब है। तो परसों तक सो लास्ट टाइम में चल रहा है, परसों सो बोले कि तो मतलब 24 को आइएगा, अल्ट्रासाउंड आपको करना पड़ेगा। और आने के बाद जो है अचानक बोल रहे हैं आज की केस गड़बड़ा गया, बच्चा डेथ कर गया। क्या पूरी तरह डॉक्टर की लापरवाही देखी जा रही है जी? अगर बच्चे की माँ को बीपी का प्रॉब्लम था, मेडिसिन चला रहे थे, उसके बावजूद 17 को हम जब दिखवाने हैं तो बोलते हैं कि 24 को डेट देना है, उसे अल्ट्रासाउंड करवा के आइएगा, अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। आज जब अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो कह रहा बच्चा डेथ है, तो डॉक्टर को उसी दिन बोल गए कि हमको आज करवा के आज का आज देखा, 24 को डेट नहीं देना चाहिए था। जब यहाँ आए हैं पहले वो डॉक्टर यहाँ से बता दिया कि ऐसे बच्चा देख कर गया, वो लोग जा रहे हैं तो यहाँ गुंडा बुला के मतलब 10-20 लोग बुला के देखे लाठी डंडा वाला से लोग मारते हैं और सर पे बात करते हैं। डॉक्टर का ये नियम है कि बच्चे भी डेथ करने का करेंगे और ऊपर से परिजन को डंडा से मारेंगे, ये है डॉक्टर का। आपको पीटा गया क्या? बिल्कुल, देख रहे हैं ये देखिए। नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड में कल देर रात चोरों ने साइकिल दुकान के छत काट कर नगद समेत 2 लाख की चोरी की। शहर में बेखौफ चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आज नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड स्थित साइकिल दुकान में कल देर रात चोरों ने छत काट कर कैश समेत 2 लाख रुपए के सामानों की चोरी की। आपको बता दें कि पूर्व के दिनों में इसी दुकान में कई बार चोरी हो चुकी है। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। दुकानदार ने बताया कि यह चौथी बार दुकान में चोरी हुई है और 2 लाख से ऊपर की चोरी की गई। सामान सब लेके गया है, गल्ला पूरा साफ करके चला गया, चांदी के सिक्के ही सब लेकर चला गया। कितना की चोरी लगभग हुई है? लगभग चोरी सामान और कैश मिला के 2 लाख रुपए कैश पास की हुई। सामान में क्या क्या ले गया? कुछ नहीं, सामान में ट्यूब लेकर गया है, कुछ टायर लेकर गया है, बीबी एक्सल है, चैन है, पैडल है, फ्रेम का कॉलर है, और भी सामान सब भालपिन है। कैसे पता चला आपको? दुकान खोले हैं तब पता चला है, पापा जी आए हैं दुकान खोलने के लिए, देखे हैं कि दुकान में चोरी हुआ है। इससे पहले भी हुआ? इससे पहले भी हुआ, काफ़ी बार हो चुका है। क्या ये पुलिस का रवैया रहा है इतने दिनों में? जब भी कुछ हुआ ही नहीं था तो रवैया है, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ ना पकड़ाया ना सामान भी रखा। इस बार कंप्लेन किए हैं? नहीं, अभी नहीं किए हैं कंप्लेन, अभी नहीं। SKMCH के ऑर्थो विभाग की गलती का खामियाजा 3 दिन से भुगत रहा है 10 वर्षीय राहुल। देखें सोनू शर्मा की खास रिपोर्ट। बिहार में लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर नहीं बदलती नजर आ रही है। आज SKMCH में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मीनापुर गांव के लाल बाबू शाह के 10 वर्षीय पुत्र 14 नवंबर को सड़क दुर्घटना में पैर टूट जाने के बाद SKMCH के जनरल वार्ड में भर्ती कराया।
चार दिनों के बाद ट्रैक्शन लगा दिया गया। इसके बाद 21 नवंबर को बगैर प्लास्टर के ही अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। परिजनों ने बताया कि जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की तो डॉक्टर डांट फटकार कर भगा दिया गया। 14 तारीख के रात में जो है बबलू कुमार को हम लोग भर्ती कराए, यहाँ इसको इमरजेंसी वार्ड में जो है कि रात भर रखा, इमरजेंसी वार्ड से जो है कि 7 नंबर वार्ड में जो है कि भेज दिया, वहाँ पर डॉक्टर जो है कि इसका 5-6 दिन रखा, 6 दिन के बाद इसको नाम काट दिया। उसके बाद 6 दिन और हम लोग पूछे डॉक्टर से कि सर इसका जो पैर टूटा हुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ, गला नाम काट दिया है, तो हमको कहता है कि डॉक्टर आप है कि हम है, आप पुर्जा जाएगी भजा कर बिक दिया। अभी क्या समस्या है? अभी समस्या यही है कि इसको जो है कि हड्डी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, मैंने अभी ले जाने वाला नहीं है, यहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ था, ऑपरेशन नहीं हुआ। अय्यापुर थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर रोड में DDMCI नेटवर्किंग कंपनी के कार्यालय में पैसा नहीं लौटाने पर सैकड़ों महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। अय्यापुर थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर रोड में DDMCI नेटवर्किंग कंपनी के कार्यालय में सैकड़ों महिला पहुंचकर हंगामा करने लगे। दरअसल DDMCI नेटवर्किंग कंपनी द्वारा 300 से ऊपर महिलाओं को 1500 रुपए लेकर मेंबर बनाया गया और एक सप्ताह में 2000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन किसी को पैसा नहीं दिया गया। आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा करने लगे। इसके संचालक मोहम्मद नजीर ने सभी महिलाओं को पैसा लौटाते हुए आश्वासन दिया। महिलाओं ने बताया कि गांव में सैकड़ों महिलाओं से पैसा लिया गया है और एक सप्ताह के अंदर 2000 रुपए देने का वादा करके पैसा कंपनी द्वारा ठगा गया। मामला आया इसे कंपनी ने भर दिया है उसमें पैसा, और 2000 रुपए आ गया है, हमको कोई सबूती नहीं दिया है, नहीं पता कोई चीज के बताया है, किसी फन्ना रूम है चाहे जगह है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं बताया है, नहीं दिया है, हम लोग क्या पैसा नहीं दिया। सिर्फ आप ही के साथ हुआ है या बाकी लोगों के साथ भी इस तरह की घटना? सब लोग के साथ, जितना महिला है सब लोग के साथ। 2000 रुपए वही नेटवर्किंग कंपनी के संचालक मोहम्मद नजीर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के द्वारा यह कंपनी संचालित हो रही है। नेटवर्किंग है और आपको जो है कि DD से मिले ग्रुप लोन है, ये इनकम से लोन रिकवरी होता है, बस इसका वेबसाइट है DDMCL। पेमेंट का क्या प्रोसेस? पेमेंट साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक पेमेंट होता है। किस तरीके से? सप्ताह में होता है, सब मेंबर जो बनाया जाता है उस ग्रुप में 10 आदमी का मेंबर होता है, आप में से 2 बनाए तो उसको 2000 पेमेंट हो जाता है। कौन करती है पेमेंट? है पेमेंट कौन करती है? DDMCL करती है। प्रोसेस? प्रोसेस उसका टीम वर्क है, उसका प्रोसेस लगता है। जो आप पेमेंट ले रहे हैं उसका रिसीप्ट है, यहाँ अभी अभी जो उसका एंट्री लगा था भैया उसका रिसीप्ट है, आपको दिखाया आपको बड़मपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद हरिओम कुमार के घर पर कल देर रात हथियार से लैस बदमाशों ने हमला कर पार्षद को घायल कर दिया। बरमपुरा थाना के वार्ड नंबर 4 के पार्षद हरिओम कुमार के घर पर शुक्रवार की देर रात हथियार से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें वार्ड पार्षद जख्मी हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोगों को जुटते देख बदमाश भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्षद को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पार्षद ने आधा दर्जन नामजद समेत 1 दर्जन के खिलाफ लिखित शिकायत की है। घायल पार्षद ने बताया कि 2 लड़का किसी काम से आया था, जिसे घर वालों से नोकझोंक हो गई और शाम में आकर घर में मारपीट करने लगा। खाना खा के दवाई खा के सो गए, ठीक है, शुगर का दवा हम खाते हैं, खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करते हैं, सोए हुए थे, उसी बीच 2 लड़का आया, गाड़ी का हॉर्न दिया, पत्नी हमारी गेट खोल के निकली,
कहा कि पार्षद जी से काम है, कि भाई बोली कि अभी निकले हुए हैं, जब दवा खा के सोए हुए थे सो जाते हैं तो हमको एक घंटा कोई उठाता नहीं, पत्नी बोले कि निकले हुए हैं, मतलब शाम ब्याह हुआ और नहीं तो सवेर में आना, तो नहीं बुलेट लगा हुआ है, मोटरसाइकिल उनका लगा हुआ है, घर में है, उनको बुलाइए और नहीं तो उनको फ़ोन कीजिए अगर कहीं गए तो, क्योंकि फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है, शाम में आओ नहीं तो कल सवेर में आओ, तो आज निकलेंगे तो कल सवेर में आएंगे, आप लोग काम नहीं करना चाहते हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हो गए, आप पब्लिक का काम नहीं कीजिएगा, और हमारे वाइफ से बहस करने लगा, उतने मेरा छोटा बेटा निकला कहा कि गार्जियन से बात करने का तमीज़ नहीं है तुमको, जब बोल रहे कि पापा नहीं है, पापा आएंगे तो तुमसे सवेर में या शाम में आके काम करा लो जो भी काम है, शाम में जब हम उठे करीब 4:45 में दरवाज़ा बैठे हुए थे, तस्लीम नाम का एक लड़का आया कि मुस्तफ़ा भाई आए हुए हैं आपको बुला रहे हैं गली के मुँह पर, हम कहे कि तबीयत मेरा ठीक नहीं है, उनको बुला लाओ यहीं पर दरवाजे पर कुर्सी लगा दिए, फिर गया फिर आया फिर गए कि नहीं 2 मिनट की बात है आप गली के मुँह पर चलिए, तो आपसे कुछ बात करना है। लकड़ीढाई मोहल्ले में घरेलू विवाद को लेकर लगातार बहू के हरकत से पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। नगर थाना क्षेत्र के लकड़ीढाई मोहल्ले में घरेलू विवाद को लेकर एक बहू आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पूरा परिवार परेशान है। बहू की हरकत देख कर पूरा परिवार थाने में शिकायत दर्ज करवाया है। परिवार वालों ने बताया कि शादी के बाद लगातार इस तरीके की हरकत करते आ रही है और हम लोगों को डर है कहीं बहू ने गलत हरकत कर ली तो इसके परिवार वाले केस में फंसा न दे। मेरे साथ मेरे देवर दोनों मारपीट करते हैं, हमको मारते हैं, घायल कर देते हैं, हमको मानसिक और शारीरिक कष्ट दे रहे हैं। क्या है इसका कारण? इसका कारण ये लोग दहेज के लालची है। गलत बात अभी बोल रही हैं। ये लोग दहेज के कारण हमको मारता है। क्या दहेज का डिमांड क्या है? ये लोग का दहेज का डिमांड है कि वहाँ पर जमीन है, घर बने। कहाँ पे? बांध के नीचे। अच्छा, अगर नहीं आप कौन सा बांध, कहाँ बांध है वो? उधर है मुजफ्फरपुर में? नहीं, इसके साइड के नीचे। अच्छा, ओके। अब मेरा पति बैठ के अपना दोनों भाई से पिटवाता है। अब आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं हम शांति से रहे, हमको रहे कि शादी हुआ 2012 में, 8 दिन के बाद अपना भाग भूक करने लगा, उसके बाद खुद की जितना हुआ कभी 6 महीना नहीं थी, जाती थी आती थी रहती थी, फिर झगड़ा करके जब भी गई तो झगड़ा करके, अब इनने करके मेरे तो कुछ नहीं है, खाना का हुआ अभी कोई वो मारा है, वो मारा मारा कोई नहीं है, दोनों गोते में झगड़ा हुआ तो हम लोग हम खुद छुड़ाने वाले थे, आ करा के हमारा बेटी आपका नहीं रहेगा, आपका पत्नी नहीं रहेगा, ननद न रहेगा, तो भाई कौन रहेगा? आपके ऊपर तो आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं दहेज का जो इन्होंने जिक्र किया लगा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? 1 पैसा भी सच्चाई, हमको 1 रुपया दिए भी नहीं, कभी नहीं ना। नहीं, आपके फैमिली पे मतलब कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का मामला, मतलब ये कह रही है कि जो आपके छोटे बेटे हैं चाहे आपके फैमिली मेंबर हैं इनको मारपीट, बताइए उनको मारने का है? नहीं मारेगा। अब जब हम हैं गार्जियन, हम इसको बेटी तरह पूछे, हम इसको बेटी तरह मानते हैं, हर बात को मान ले तैयार, तुम जो कहे जैसे रहो खुशी से रहो। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर कल देर शाम गुरुद्वारा में कीर्तन का आयोजन किया गया। रमना स्थित गुरुद्वारा में सुबह से लेकर देर रात तक गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर कई कार्यक्रम हुए। सुबह से अखंड पाठ तो रात में जमकर आतिशबाजी हुई। इस दौरान पूरे गुरुद्वारा को सजाया गया। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य पंजाब सिंह ने 48 घंटे से चल रहे अखंड पाठ का समापन किया। उसके बाद ऋषिकेश से आए हजूरी रागी जत्थे ने गुरुवाणी पेश कर संगत को निहाल किया। उन्होंने बताया कि गुरु के आदर्शों को आत्मसात करके ही देश संपन्न होगा। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव महाराज का 550वां प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रमना मुजफ्फरपुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के 3 महान उपदेश हैं कि वो नाम जपना, बांट के छकना और सेवा करनी,
ये तीनों चीजें हैं जो मनुष्य को शांति प्रदान करती है। और गुरु नानक साहब जी ने उनके जीवन का उद्देश्य जो 20 रुपये उनके पिताजी ने उनको व्यापार के लिए दिए थे वो लेके जब घर से निकले तो रास्ते में उनको साधु संतों की एक टीम मिली जो बहुत दिनों से भूखी थी, तो उनको देख करके गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का लंगर बनवा करके उनको छकाया और उन्होंने गुरु नानक साहब को बहुत आशीर्वाद दिया। वहीं भारत और पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा से सिंह समुदाय की प्रकाश पर्व की खुशी दोगुना हो गई। हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारी जो सरकार है और पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने वो जो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहेब जी उनके बीच का जो रास्ता है वो बहुत स्मूथली कर दिया, बहुत आसान कर दिया है। अब उनका भारत सरकार का जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि करतारपुर और सुल्तानपुर लोधी के बीच में जो दूरियां थी करतारपुर, तो वो दूरियों को कम करते हुए सिख संगत के लिए 550वां गुरुपुरब जो मनाया जा रहा है अभी पूरा साल मनाया जाएगा अगले साल, तो उसके लिए सारी संगत पाकिस्तान के भी धन्यवाद है और भारत के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माउंट लिटरेसी स्कूल जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे, इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा, अवॉर्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अलियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग,
नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। रुक क्यों गया केशव? ओफ, ये पॉलीबैग। तनिक ठहरो पार्थ, जानते नहीं ये पॉलीबैग्स अमर है। पृथ्वी इसे नष्ट नहीं कर सकती, मिट्टी इसे गला नहीं सकती। ये तो युगों युगों तक इसी रूप में पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। इसका कोई उपाय केशव? उपाय है पार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वो पॉलीबैग्स त्याग कर कपड़े, जूट या कागज के थैले अपनाए।
तभी पृथ्वी पर मानव एवं पर्यावरण दोनों का कल्याण होगा। आप धन्य है भगवान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नीतीश्वर महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में महिलाओं के सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। नीतीश्वर महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में महिलाओं के सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज के समाज में महिलाओं को स्वयं पर निर्भर होने की जरूरत है। आज कई जगहों पर महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों की महिला इन सब से काफी पीछे है। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित सेमिनार है, इसमें प्रबुद्ध श्री सुभाष शर्मा सीनियर IAS आए हुए हैं, उन्हीं का कीनोट एड्रेस है। बहुत ही अच्छे ढंग से समाज में कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सोसाइटी का बनते जा रहा है, इसी सब टॉपिक पे है। बच्चे लोग कैसे समाज में अपने आप को डेवलप कर सके, इसी के लिए नितेश्वर सिंह कॉलेज को आयोजित किया। बधाई। LS कॉलेज के सभागार में रिलायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा मधुमेह जांच एवं जागरूकता अभियान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। LS कॉलेज के सभागार में लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा मधुमेह जांच एवं जागरूकता अभियान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज प्राचार्य समेत लायंस क्लब के सभी सदस्यों के साथ कॉलेज के छात्र शामिल हुए। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मधुमेह पर जागरूक होने की जरूरत है। आज अधिकांश लोग इस बीमारी से ग्रस्त है और इससे बचने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। आज जो है वो डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम है लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की तरफ से, जो कि आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं LS कॉलेज के। किस विषय पे चर्चा हो रही है? डायबिटीज। क्या क्या इसकी विशेषता है? नहीं, डायबिटीज जो होता है वो एक्चुअली अभी क्या है कि मास अवेयरनेस हम लोग ला रहे हैं, तो डॉक्टर BB ठाकुर, डॉक्टर एमदास, डॉक्टर वीरेंद्र किशोर, ये लोग आए हुए हैं जो कि अभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, हेल्थ मतलब हेल्थ को कैसे हम मेंटेन करें, डायबिटीज अगर है तो उसका हम ये कैसे करें, देख रहे हैं कि उसका कैसे करें, और फ्यूचर में लोगों को फिर से डायबिटीज नहीं हो लोगों को, उसके लिए उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम, एक भाषण दिया और लोगों को बताया कि इसको कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये अलार्मिंग पोजीशन है। धीरे धीरे ये पूरे कंट्री में जो मतलब डायबिटिक के जो पेशेंट हैं वो इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है उसमें। मिठनपुरा स्थित निजी विवाह भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मिठनपुरा स्थित निजी विवाह भवन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्होंने देश में नई शिक्षा प्रणाली को कायम किया, इसलिए आज उनके योगदानों को देश कभी भूल नहीं पाएगा। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से पूरे बिहार में हम उनके जन्म दिवस समारोह एक पखवाड़ा के तौर पर तालीमी बेदारी एवं मौलाना आज़ाद पखवाड़ा के नाम से मना रहे हैं। बिहार के लगभग सभी ज़िले में उनके इस सेलिब्रेशन को हम लोग धूमधाम से, खास करके शिक्षा में उनके बेहतर योगदान को हम लोग याद कर रहे हैं। जिस तरीके से देश के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगर आज जाने जाते हैं तो वो कौमी यकजहती और राष्ट्रवाद के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरीके से मौलाना आज़ाद ने हमेशा से देश के अंदर हिंदू मुसलमान की एकता को बढ़ावा दिया था, हम चाहते हैं कि उनके संदेश को हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। इसी कड़ी में आज अगर हम IIT देख रहे हैं, आज अगर हम IIM देख रहे हैं, आज अगर हम UGC देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी तकनीकी संस्थाएं देख रहे हैं,
तो अगर इनके पीछे किन्हीं का हाथ था तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हाथ था। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बात के लिए कि लोगों तक ये संदेश जाए, लोगों तक ये खबर पहुंचे, इसी क्रम में आज हम मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ से एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि मौलाना आज़ाद ने देश के अंदर सबसे पहले अगर कौमी एकजहती का परचम लहराया था, जब देश का एक विभाजन का समय आया था तो उन्होंने पूरे लोगों को, आवाम को खिताब करते हुए कहा था। दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में LIC ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अहम बैठक की। दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में LIC ऑफिसर्स एसोसिएशन क्लास 1 की बैठक की गई, जिसमें सैकड़ों ऑफिसर्स शामिल हुए। वार्षिक बैठक के दौरान LIC ऑफिसर्स अपनी परेशानियों को एसोसिएशन के सदस्यों के साथ साझा की। बैठक को संबोधित करते हुए जनरल सेक्रेटरी वसंत कुमार ने कहा कि LIC के ऑल इंडिया के परेशानियों को रखते हैं और उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश भी की जाती है। जितने क्लास 1 ऑफिसर्स हैं वो प्रत्येक वर्ष हम लोग एक एनुअल जनरली बॉडी मीटिंग करते हैं, जिसमें जो हम लोगों के जो LIC के संबंधित जो भी समस्याएं हमारे ऑफिसर फेस कर रहे हैं, जो नेशनल सिनेरियो में एडवर्स सिचुएशन या इंटरनेशनल सिनेरियो में एडवर्स सिचुएशन, जिस सिचुएशन को भी हम लोग फेस कर रहे हैं उसका हम लोग डिस्कस करते हैं और इसमें हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो लोग भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो हमारे ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी उपस्थित होते हैं। और चूंकि मैं उन लोगों के सामने में इस बात को इसलिए रखता हूँ कि डिविजनल लेवल पर सामान्यतः ऐसी बात होती है कि हम लोग ये छोटा स्तर है, डिवीजन का लेवल है, तो यहाँ की बात को हम लोग आपस में भले ही बात कर लेते हैं लेकिन जो नेशनल इशूज है, जो कॉरपोरेशन एज होल इशू है, इस इशूज को वो जो चूंकि ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी आते हैं तो हम लोग जो है अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को इस मन में जानकारी दी। तिलक मैदान रोड स्थित कावेरी रेस्टोरेंट में कल देर शाम सिटी न्यूज के 3 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया गया। कल देर शाम तिलक मैदान स्थित कावेरी रेस्टोरेंट में सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी न्यूज परिवार के साथ GTPL और सिटी के ऑनर तथा कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान GTPL और सिटी कंपनी के निदेशक आलोक कुमार सिंह ने केक काटा तथा सिटी न्यूज के सभी सदस्यों को बधाई दी, साथ ही आने वाले समय में ऐसे ही काम करने की हौसला अफजाई की। इसके बाद निदेशक आलोक कुमार सिंह ने सभी सदस्यों को बारी बारी से सम्मानित किया। और आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।